खबर रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां विगत 6 वर्षों से भाजपा के कार्यकर्ता लगातार जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके इस प्रताड़ना में प्रशासन भी अपना हाथ बटा रहा है। हाँ, तो अब यह हो गई कि सरकारी कर्मचारियों को भी अपराधी बनाया जाने लगा है। हालांकि जनपद CEO कांड को क्षेत्र के लोग भूल नहीं पाए हैं और अपना जवाब भी 23 के चुनाव में दे दिया है, लेकिन एक बार फिर एक महिला अधिकारी को षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है। दरअसल गत दिवस महिला बाल विकास के द्वारा सिमरिया नगर पंचायत हाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां भाजपा का विधानसभा मीडिया प्रभारी विवेक गौतम ताला बंद कर दिया और महिलाएं घंटों हाल के बाहर बैठी इंतजार करती रही, जबकि उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मेहमान भाजपा के पदाधिकारी और नगर पंचायत के ही पदाधिकारी थे। जब महिलाओं ने सिमरिया थाना पहुंचकर मामले की शिकायत करनी चाही तो पुलिस के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसकी सुनवाई नहीं हुई। वही महिला परियोजना अधिकारी के खिलाफ पुलिस में नगर पंचायत हाल का ताला तोड़ने की शिकायत कर दी गई, जबकि बताया जाता है कि नगर पंचायत के अधिकारियों के सामने विभाग के ही कर्मचारी द्वारा ताला तोड़ा गया। महिला परियोजना अधिकारी ताला तोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और मना करती रही, जो CCTV कैमरे में कैद है। लेकिन धन्य है भाजपा का सुशासन और अपने कर्मचारियों को ही शिकार बना रहा है। हालांकि घटना ने सिद्ध कर दिया है कि सिमरिया भाजपा डंडे के दम पर क्षेत्र के लोगों को भाजपा का गुलाम बनाना चाहती है, और यह डंडा कोई और नहीं दिखा रहा बल्कि खुद उनके प्रशासनिक अधिकारी दिखा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा सकती है, जबकि कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम का आयोजन इसी हाल में किया गया था, जबकि किसी भी शासकीय कार्यालय के अंदर किसी भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं रखा जा सकता, लेकिन तब सारे नियम कायदे दरकिनार कर दिए जाते। लेकिन एक शासकीय कार्यक्रम, वह भी महिला बाल विकास का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके लिए ताला बंद कर दिया गया और विरोध करने पर महिला के खिलाफ ही अपराध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के शासनकाल में कर्मचारी अधिकारी आम जनता के हित में निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं। आप भी देखिए दो तस्वीरें, एक तरफ शासकीय कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए महिला अधिकारी दरवाजे पर बैठी है तो दूसरी तरफ उसी हाल के अंदर किस तरह से पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिर आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है। ये कल जो ये महिला बाल विकास वाला मामला हुआ था भैया नगर पंचायत में, तो क्या महिला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? क्या किसी के खिलाफ नहीं हुआ है, जांच में है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ लोग बताए कि महिला के खिलाफ दर्ज हुआ है ताला तोड़ने का। नहीं, आवेदन आया है। अच्छा, ताला तो उसमें बता रहे हैं कि नगर पंचायत के कर्मचारी खुद बैठकर तोड़वाया है, कोई महिलाएं तो बाहर बैठी थी और थाना में गई। अब देखो मैडम आ जाएंगी, सीमो मैडम आ जाएंगी तो पता चलेगा किसने तोड़ा। CCTV भी लगा हुआ है शायद वहाँ। अच्छा, अभी मामला दर्ज नहीं हुआ, दोनों तरफ से आवेदन प्राप्त हुए। सुना आपने, दोनों पक्षों से आवेदन मिले हैं, जांच की जा रही है। पुलिस किस तरह से सत्ता के दबाव में जांच करती है आप कई बार देख चुके हैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जब नगर पंचायत की CEO से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन उठाना ही मुनासिब नहीं समझा। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से राज्यतंत्र चल रहा है।